दो, समय के साथ जो व्यक्ति चलता है वो, प्लास्टिक का टाइम था 1960 में, ऑयल का टाइम था 1970 में, ऑटोमोबाइल का टाइम था 1980 में, कंप्यूटर्स का टाइम था 1990 में, टेलीकम्युनिकेशन का टाइम था 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम था। समय बदल रहा है, आगे 2020 का टाइम है आप बिजनेस का। अगर आज आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल आप नहीं बन सकते। तो आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना है, तो जिस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हैं वो उस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जाते हैं। और दुनिया का सबसे रिच आदमी कहता है बिल गेट्स कि इफ योर बिजनेस नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस अगर इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस ही आउट ऑफ बिजनेस, पीपल कह रहा है बिल गेट्स। तो आपके आज मौका है अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का, और हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है आज के टाइम में टाइम फ्रीडम उसको मिले, हर व्यक्ति चाहता है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, हर व्यक्ति चाहता है टीम वर्क मिले, हर व्यक्ति चाहता है इनकम मिले 24 आवर्स। तो सारी चीजें आपको इस बिजनेस से हो सकती है, सारी बिजनेस सारी चीजें आपको इस अपॉर्चुनिटी से मिल सकती है। होम बेस्ड बिजनेस आपको यहाँ पर मिल सकता है। कोरोना ने की लोगों की जॉब चली गई है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लोगों को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, खत्म हो चुका है। पर एक चीज लोगों को ये कि ऑनलाइन बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस आपको करना है, तो होम बेस्ड बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो आपको सारे क्यों मिल गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सारे क्यों मिले यहाँ पर कि आप अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर ग्रैप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेजर रीजन है इस अपॉर्चुनिटी करने के, तो दुनिया में हर व्यक्ति को चाहिए, हर आम आदमी को, हर रिच पीपल को और है गरीब पीपल को। अभी सारी चीजें कैसे फील होगी, आपके ड्रीम्स, इकोनॉमी सर्वे, ये ट्रेंड, सारी चीजें कैसे ये फील हो सकती है, तो ये हो सकती है एक ही अपॉर्चुनिटी से जिसको हम देख रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है देवदूत डिजिटल पेमेंट सर्विस। ये जो है डिजिटल पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड, तो इस सारी चीजें हमको इस अपॉर्चुनिटी से मिल सकती है। आज इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं। तो आज तो ये व्हाट इज देवदूत, देवदूत क्या है, देवदूत क्यूआर कोड सर्विस है, लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह। दो सारी चीजें हमको यहाँ से मिल सकती है। फोन पे गूगल पे आप यूज कर रहे हो तो अगर आप ये एप्लीकेशन यूज करते हो तो जो काम फोन पे का है मिलती है, जो यहाँ पर हमको फोन पे गूगल पे की तरह हमको मिल रही है। और इसमें क्या क्या चीजें पर डिजिटल पेमेंट सर्विस यहाँ पर दे रही है, फ्री दे रही है कंपनी हमें यहाँ पर, बेस्ड सिस्टम भी देती है, एफिलिएट मार्केटिंग भी देती है अर्निंग करने के लिए इस बिजनेस के माध्यम से। तो कंपनी के यहाँ पर ये क्यूआर कोड, इस क्यूक रेस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड सर्विस पे काम करती है। आगे बात करते हैं हम इस बिजनेस की, इस कंपनी के ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप सारे लीगल डॉक्यूमेंट अपने अपलाइन से ले सकते हो। आपको जिस भी पर्सन ने इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में रेफर किया है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सारी चीजें कंपनी लीगल यहाँ पर रजिस्टर्ड है और सर्टिफाइड है। आगे बात करते हैं हम कंपनी की जो सर्विस क्या क्या है। कंपनी की सर्विस फास्टैग सर्विस है, एपीएस सर्विस है, मोबाइल रिचार्ज सर्विस, डीटीएल रिचार्ज सर्विस, डेटा कार्ड सर्विस, वाटर बिल, फ्लाइट, बस बुकिंग, मनी ट्रांसफर, यूपीआई सर्विस, मच मोर, बहुत सारी सर्विस है कंपनी की। तो ये सारी चीजें फोन पे के साथ, गूगल पे के साथ, और हम बात करें पेटीएम के साथ, पर ये सारी चीजें आज आप देवदूत के साथ भी यूज कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। आज तक आपने जो भी चीजें यूज करी को, गूगल पे को, हम मौका है खुद अमीर बनने का, खुद अमीर बनने का आपके पास मौका है। तो खुद को अमीर बनाते हो अपनी फैमिली का ऑप्शन से, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साथ के साथ आप यूज कर सकते हो। आप वेबसाइट से devdoot.com, इस वेबसाइट रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, डीटीएल रिचार्ज, होटल बिल, बस सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। और साथ के साथ कंपनी ने 3 टाइप ऑफ मेंबरशिप निकाली है इसकी। हम बात करते हैं मेन यहाँ पर टॉपिक पे। हर कंपनी आज के टाइम में अपने कस्टमर को यहाँ पर क्या देती है, देती है यहाँ पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी देती है अगर उसकी प्राइम मेंबरशिप लेते हो। हम बात करें अमेजोन की, हम बात करें अब हॉटस्टार की, हम बात करें यूट्यूब की, हम बात करें यहाँ पर बहुत सारी कंपनी, किन लोगों के लिए, जो कंपनी के प्रीवियस कस्टमर है, जो चाहते हैं कंपनी की एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर यूज करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी ने देवदूत भी आप फोन पे गूगल पे की तरह यूज कर सकते हो, पर अगर आप कंपनी के आते ऑफर चाहते हो तो कंपनी की 3 टाइप ऑफ मेंबरशिप है। पहली है प्राइम मेंबरशिप 501 रुपीज की और 1005 रुपीज की। तो आप ये लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, मोर डिस्काउंट मोर ऑफर आप यूज कर सकते हो। और दूसरा है कलम मेंबरशिप पैकेज, जो आप यहाँ पर कंपनी के शेयर्स लेकर कंपनी के साथ आप पार्टनर बन सकते हो। तो ये 3 टाइप की कंपनी की मेंबरशिप है। तो हम स्टेप बाय इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहली मेंबरशिप एक्सप्लेन करेंगे 501 रुपीज की, प्राइम मेंबरशिप एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर हम, जो आपको क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के टाइम में
प्राइम मेंबरशिप के एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा अपने कस्टमर को ऑफर्स मिलते हैं जो कंपनी देती है। अमेजोन को आप दे सकते हो, अमेजोन आप अगर आप नॉर्मल कस्टमर अमेजन के, तो आप कोई भी अमेजन से प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो, ऑर्डर करते हो, तो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करने का आपको चार्ज लगता है। 40 मेंबरशिप ले लेते हो सारी, आप पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी आप लेते हो, तो प्राइम मेंबरशिप की बेनिफिट है। प्राइम वीडियो ऐसे ही पेटीएम की आप सर्विस यूज करते हो, ठीक है, आप एड मनी करते हो, बस का बिल का फ्लाइट का बुक आप करते हो, पर अगर 750 रुपए आप साल का दे लेते हो पेटीएम को, तो आप फर्स्ट मेंबरशिप बन जाते हो। आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा, हम बात करें बस बुकिंग वगैरह पे, आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, आपको वहां पर अलग से ऑफर मिलते हैं। ऐसे ही यूट्यूब का है, यूट्यूब आप यूज करते हो, नॉर्मल यूट्यूब पे एड्स आते हैं आपको, अगर यूट्यूब का आप प्रीमियम ले देते हो, वन मेंबरशिप रेफर करते हो, तो पर डायरेक्ट करते हैं टीम रिचार्ज इनकम आपको मिलती है 25 लेवल तक फ्री से ज्यादा, उसपे आपको अगर ये प्राइम मेंबरशिप का बेनिफिट मिलेगा एक साल तक, आप फ्री रेफर कर देते हैं बिजनेस के अंदर, पास आईडी चली जाती है और ऑटो पुल से आपको पैसिव इनकम, और आपको किया तो कैशबैक आपको अनुवा 250 रुपए का, वो कैशबैक आप इंस्टेंट आईएमपे फैसिलिटी आपको मिलती है 24/7 365 दिन आपको ये सारी चीजें मिलती है। और जो पैकेज की वैलिडिटी है 24 मंथ है, 501 रुपीज प्राइम मेंबरशिप की बेनिफिट है। अगर कोई पर्सन चाहता है कि वो एक्स्ट्रा सर्विस यूज करना, एक्स्ट्रा मोर सर्विस मोर डिस्काउंट मोर ऑफर, तो वो कंपनी की दूसरी प्राइम मेंबरशिप ले सकता है 1000 कर सकता है। इसके अंदर उस पर्सन को 1500 रुपए प्राइम मेंबरशिप में उसको मिलता है। यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलता है, पहले 3000 का कूपन यूज होगा, मोबाइल बिल डीटीएल, हम बात करें बस फ्लाइट टिकट बुकिंग में उसका डिस्काउंट यहाँ पर यूज 250 रुपए है। पर हम बात करते हैं यहाँ ऐसा नहीं है कि चीजें सेम रहती है, जो चीजें चलती आई है सदियों सदियों से वो सेम रहती है, सिर्फ क्या है वो करने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन वेंचर हुए, अमेजोन हुआ, फेसबुक हुआ, या फिर जितने भी बड़े बड़े वेंचर हुए, ओला हुआ, उबर हुआ, इन्होंने कुछ नया नहीं किया, उसी पुरानी चीजों को नए तरीके से मॉडिफाई करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया, जो आज देवदूत कर रहा है। क्योंकि देवदूत आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो सारे की सारी सर्विसेज ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नए तरीके से प्रेजेंट किया है आपको देवदूत ने। मैं कहना यहां पर यह चाहता हूं कि होटल पहले भी बुक होते थे, लोग जाते थे होटल्स में, लेकिन मेक माई ट्रिप या फिर आप जो नए वेंचर खड़े हुए हैं आज उनकी बात करो तो एक प्रोसेस बदला, आज एक नए तरीके से करते हैं। और जिसने इस आइडिया पर काम किया डेफिनेटली बहुत बड़ा काम कर गया। गाड़ियां पहले भी बुक होती थी, ओला और उबर ने एक नए तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को, शॉपिंग पहले भी होती थी, अमेजोन ने नए तरीके से प्रेजेंट किया अपने आप को, एंटरटेनमेंट पहले भी होता था, फेसबुक यूट्यूब इन सब लोगों ने अपने आप को नए तरीके से प्रेजेंट किया। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो सर्विस है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आज के जमाने में आप कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से पेमेंट आप ट्रांसफर करते हैं गूगल पे फोन पे से, बस देवदूत पे आकर आपको कैशबैक मिलने वाला, एक नया तरीका देवदूत आपको दे रहा है। शॉपिंग पहले भी आप करते थे, बस देवदूत पे जो आके शॉपिंग करेगा तो डेफिनेटली आपको कैशबैक आएगा। अदर जो सर्विसेज की अगर बात की जाए, मैं छोटा छोटा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो रिचार्ज रिलेटेड सर्विसेज है, रिचार्ज रिलेटेड सर्विसेज का 25 लेवल में कैशबैक आ रहा है आपको। आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक ही कंपनी का टर्नओवर रिचार्ज में 20,000 करोड़ होता है। अगर जियो की मैं बात करूं, 20,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगर 100 करोड़ का टर्नओवर भी देवदूत से हुआ तो मेरी और आपकी टीम में कितना पैसा बंटने वाला है आप अंदाजा लगाइए। भले ही वो 10-10 पैसे 20-20 पैसे मिल रहे हो, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए। फास्टैग 10,000 करोड़, जितनी भी गाड़ियां जाती है, जितने भी फास्टैग लोग यूज करते हैं, आप उनकी बात करें तो फास्टैग का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है। मैं नहीं कहता 50,000 करोड़ भी अगर यहां से यूज होगा तो आप कितना बड़ा, आपकी टीम को 10-10 पैसे 20-20 पैसे ही आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा पे उठा रहा है। अभी भी लोगों को रिचार्ज कैशबैक के ऊपर लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट आ रहा। मैं अगर अपनी ही बात करूं तो 3,000 से 4,000 रुपए डेली का 10-10 पैसे 1-1 पैसे 8-8 पैसे में हमें बेनिफिट मिल रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहां 25 लेवल पर कैशबैक, लोग 10-10 लेवल के प्लान पर काम कर रहे हैं मार्केट में, 25 लेवल का प्लान है और रेफर एंड अर्न में 100 लेवल का प्लान है, जो आज तक कर ही नहीं पाया कोई, हिंदुस्तान की मार्केट छोड़िए वर्ल्ड की मार्केट में भी आज कोई नहीं कर पाया इस चीज को। लाइफ इंश्योरेंस लोग ऑलरेडी पे करते हैं जाकर, सिर्फ ये है देवदूत से पे करेंगे, आपको 25 लेवल का कैशबैक आने वाला है, ऐसी सर्विस आने वाली है। जनरल इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो 6,000 करोड़ तो SBI का टर्नओवर जनरल इंश्योरेंस का, कितनी कंपनियां है मार्केट में। अगर 100 करोड़ का भी देवदूत से लोगों ने पे करना शुरू किया तो कितना कैशबैक आएगा,
लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो 71,000 करोड़ तो LIC का ही प्रीमियम का जो रिन्यूअल है वो होता है। आप खुद अंदाजा लगाइए अगर 100 करोड़ भी हुआ तो कितना बड़ा आपकी टीम में पेमेंट बंटने वाला है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको लंबे टाइम के लिए बहुत बड़े बेनिफिट्स आपको मिलने वाले कि आप जो सर्विस धीरे धीरे एक एक करके कंपनी एक्टिव करेगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का NTPC का टर्नओवर 97,000 करोड़ का है, आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपने टीम बिल्ड अभी कर दिया, रेफरेंडर ने भी आपको पैसा मिल रहा है टीम बिल्डिंग करने पर, अगर ये काम भी कर दिया तो बहुत बड़ा टर्नओवर लोन पे होगा, यहाँ से क्रेडिट कार्ड बिल यहाँ से पे होंगे, आप खुद देखिए कितना टर्नओवर होने वाला, गैस बुकिंग, स्कूल फीस, म्यूनिसिपल टैक्स, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, आप ये सारी चीजों पर कितना बड़ा बेनिफिट आप यहाँ लेने वाले। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप जो चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम है दुनिया भर की बेहतरीन से बेहतरीन कंपनियों के साथ चैलेंज है। आज किसी भी कंपनी का आप देखिए कस्टमर केयर ढंग से काम नहीं कर रहा, बड़ी से बड़ी 50-50 साल पुरानी कंपनी की अगर बात की जाए, मैं आज भी बात कर रहा हूं कि आज से महीने पहले का, एक महीने पहले का टिकट बुक किया हुआ एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, लेकिन आज तक उनका कस्टमर केयर काम नहीं कर रहा, पैसा अभी तक उन्होंने रिफंड नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर हम और आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दिन से ही, दो दिन से ही, तीन दिन में जो भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड हो रही है। ये सबसे बड़ा फीचर है 24 मुद्रा का कि यहाँ अप्लाई डट पर आपके साथ काम कर रही है। अदरवाइज कंपनियों में तो ऐसे समय में जो एम्प्लॉय नहीं पहुंच पा रहे, सारी कंपनियों में ऐसा हाल है, लेकिन 24 मुद्रा ने ऐसे टाइम में भी हम लोगों को सर्विस दिया है जब वर्क फ्रॉम होम से सर्विस दिया है कंपनी ने। तो आप अंदाजा लगाइए कि कंपनी बहुत आगे जाना चाहती है। 5 करोड़ का कैपिटल पे किया साइड जो उनको पब्लिक लिमिटेड हो गई कंपनी, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक लिमिटेड है, आज एक्सेप्टेंस लोगों की रहती है, फिर नहीं तो लोग भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर, आप अंदाजा लगाइए। तो 2 से 3 चीजों में बहुत बेहतरीन तरीके से रमन जी ने भी आपको क्लियर किया। तो मेरा सेशन इतना ही रहने वाला है। अब आगे सेशन के लिए हम सीनियर है वो अभी आपके साथ जो है आने वाले हैं बहुत जल्दी। मैं एक दो चीज करेक्ट करना चाहूंगा, रमन जी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन था, एक ऑटो को से रिलेटेड जो है निर्णय में पहले का कंपनी ने 16 करोड़ का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में क्या है कि सब लोगों को मिली ऑटो पुल, क्योंकि 16 करोड़ तो टॉप अप को लोगों को ही मिल जाता, इसलिए क्या कंपनी ने उसको छोटा किया ताकि सब लोगों को मिले और मिल भी रहा है। 30,000 रुपए एक बार 200 रुपया आपका अमाउंट डिडक्ट होने पर 30,000 आपको आता है 6 स्टेप में, वो आप सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, उसमें मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू रमन जी, और थैंक यू आप सभी लोगों का। और मैं आप लोगों के बीच में अब प्रेजेंट करने के लिए, आप लोगों के बीच में डिस्कस करने के लिए, विजन क्लियर करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं मेरे सीनियर, मेरे मेंटर कृष्णा सर को, आप सभी लोगों के अप्लायंस जिनका जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है 24 मुद्रा के अंदर, वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आइए प्लीज। संदीप जी, थैंक यू रमन जी फॉर प्रेजेंटेशन। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा, मैं गोवा से बिलोंग करता हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को लगभग 4 महीने से हैंडल कर रहा हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ, और आप सब लोग सपोर्ट के साथ, आप लोग को सपोर्ट करते हुए लगातार हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ अपने टाइम को आप जैसे ब्यूटीफुल लोगों के साथ अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। तो आज के सेशन में संदीप जी ने बहुत सारी चीज़ों से आपको अवेयर किया, रमन जी ने बहुत सारी चीज़ों को अवेयर किया, मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा ताकि आप 24 मुद्रा के अंदर बहुत अच्छा अर्निंग लें, अचीवर बन सकें। वो कैसे पॉसिबल होगा इस पे थोड़ा सा मैं लाइमलाइट आपको दूंगा, मैं ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपके 10 मिनट कंज्यूम करूंगा, और 10 मिनट्स में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके रास्ते में जो रुकावटें बन रही हैं उस पे आपको कैसे अचीवमेंट लेनी है, उसमें आपको कैसे मूव होना ऑन होना है, उस पे थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करूंगा। उसमें मैं आपको सिर्फ सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, फोकस एंड टाइम, फोकस एंड टाइम। टाइम
जहां पे भी आप लगाओगे या फिर जब भी आप अपने किसी नेटिव को, रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना टाइम आप उसको दे रहे हो या जितना टाइम उस पर लगाओगे, उतने परसेंटेज में आपको अपना आउटपुट पहले ही डिसाइड करना है। मैंने पिछली बार भी आपसे डिस्कस किया था, कभी भी हमें अपना जो टाइम है वो एक्सटेंडेड वे में डिप्लॉय नहीं करना है एक ऐसी जगह पे जहां पे हम आउटपुट 5% ले रहे हो और अपना इनपुट जो है टाइम का 100% दे रहे हो, वहां पर आपकी बहुत बड़ी लॉस रहती है। तो कभी भी आपको जब भी कोई काम करना है या फिर जब भी आपको प्रेजेंट करनी है या फिर अपने प्लान से रिलेटेड किसी को इन्फॉर्म करना है, तो डिसाइड करें कि कितने नंबर ऑफ पीपल से आपको मिलना है, कितना टाइम आपको कंज्यूम करना है और उससे आपको क्या आउटपुट लेना है। दूसरा, आगे बढ़ने का दूसरा सबसे सिंपल एंड सबसे सोफिस्टिकेटेड जो रास्ता है वो है सेल्फ टारगेटिंग। हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमें अचीव क्या करना है, जिस वजह से आप क्या है अचीव कर नहीं पाते हो। आप क्वेश्चन मार्क, आपकी इनकम, आपकी जो अर्निंग है वो हमेशा क्वेश्चन में रहती है। इसमें कभी भी कोई भी अप्लाइंग या सीएमडी साहब या फिर मैं, संदीप जी, कोई भी आपके पास आके जाने नहीं जाके ये नहीं बोलने वाला है आप उठो और आज 5,000 रुपए अर्न करो, आप उठो आज 10,000 रुपए अर्न करो। ये सब डिसाइड करने वाले आप हैं। यानी कि वैसे भी किसी वाइस पर्सन ने कहा है एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी अर्निंग खुद डिसाइड करते हो, अपने जो आपको अर्निंग है उसका जो चेक है उस पे अपना जो अमाउंट है आप खुद डिसाइड करते हो। ये सारा डिसाइड इसीलिए होता है जब आप एग्जैक्टली टारगेट बनाकर काम करते हो। अगर आप टारगेट बनाओगे नहीं तो वो चीजें कभी भी पॉसिबल होगी नहीं। अगर हम सोचते नहीं, हम टारगेट बनाते नहीं कि हमें 4 महीने में क्या करना है, हमें अगले 4 महीने में क्या करना है और उसके अगले 4 महीने में क्या करना है, हम वहां पे कभी पहुंचेंगे नहीं। हमने पहले ही डिसाइड था कि हम 90 डेज में टेबल पर खुद को लेके जाना है, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए 90 डेज में उस लेवल पर हिट हुए। हमारा टारगेट था 90 डेज के पहले पहले अपने को 1 लाख से ऊपर का टीम साइज क्रिएट करना। हमने वो 90 डेज से पहले ही क्रिएट कर डाला। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कब, कितना और कैसे टारगेट डिसाइड करना है। अगर बात करते हैं हम इंडिया की, तो हमारी पॉपुलेशन ही 130 लगभग 85-90 करोड़ पीपल आर यूजिंग स्मार्ट हैंडसेट्स। तो वो सारे के सारे लोग आपके क्लाइंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे अपना मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, वो सारे के सारे अपनी यूटिलिटी से लेकर सारी की सारी फैसिलिटियां किसी ना किसी कंपनी से वो यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको कब, कितने समय में अप्रोच कर पाते हो। ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा का सारा आपके ऊपर टारगेटिंग, आपके सेल्फ जो आप टारगेट सेट करते हो उसके ऊपर डिसाइड करता है। हर एक पर्सन जो आज की डेट में स्मार्टफोन या एंड्रॉयड यूजर है, सभी इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, सभी इसके डिस्काउंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं, सभी इसकी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं और सभी इसके से रिलेटेड कैशबैक जो जनरेट हो रहा है या फिर जो रेजिडुअल इनकम या फिर अपना पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट हो रही है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारे पास मार्केट बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं जो बहुत जल्दी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर उनकी भी हम बातों को कंसीडर करते हैं तो फाइंड आउट करिए कि अभी भी आपके पास बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ कंपनी का अगर आप ज्वाइनिंग ग्राफ कैलकुलेट करोगे सिर्फ 1.5 लाख लोग ही एसोसिएटेड हैं। अगर हम बात करते हैं आने वाले 4 से 5 साल की, तो कम से कम यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ लोग इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड होंगे। जिस हिसाब से कंपनी डे बाय डे अमेंडमेंट करती चली जा रही है, वहां पे जब इतना बड़ा कारवा होगा तो आप डिसाइड कर सकते हो या सोच सकते हो कि आपके साथ कितना बड़ा टीम हो सकता है। तीसरा, ये जरूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी टीम करने के लिए डे नाइट ही काम करना है। मैं आपको अभी भी बहुत कॉन्फिडेंसली एक बात बोल सकता हूँ, सिर्फ 2 से 3 रेगुलर फोकस करके, सिर्फ 2 से 3 घंटे रेगुलर फोकस करके अगर आप सिर्फ फोन पर ये प्लान या अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड्स को, अपने बड़े चांसेस आप क्रिएट कर लेते हो यहाँ पर रेगुलर अर्निंग को सेट करने में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो ये एपिडेमिक चल रहा है पे बैठ के ही बहुत बड़ा काम कर डालें, तो इसमें डिजिटल मार्केटिंग या फिर जो ऑनलाइन सर्विस
एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उससे बड़ी कोई इंडस्ट्री हो नहीं सकती है। कर रहे हैं एकदम टोटल ई कॉमर्स है, डिजिटलाइज्ड है, आपको किसी से मिलने की भी जरूरत नहीं है, आप सारे प्रेजेंटेशन से लेकर प्रोटोकॉल से लेकर प्रोडक्ट से लेकर सारे के सारे आप ऑनलाइन के ऑनलाइन कर सकते हो, सारी चीजें आपके सामने लाइव है और सारी की सारी चीजें आप अपने एक हैंडसेट से स्मार्टफोन से एक्सेस कर सकते हो। तो ये हमारे बिजनेस की बहुत बड़ी ब्यूटी है और आप उसी बिजनेस एक पार्ट हो जो डिसाइड करेगा कि आपकी वर्थ आने वाले में कंपनी की वर्थ के साथ साथ क्या होने वाली है। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपसे एक और डिस्कस करूंगा, नॉलेज। नॉलेज का क्या है कि आप डेली सीनियर्स के टच में रहो या फिर अपना कंपनी के जो आपको ऑडियो वीडियो मोटिवेशनल सेमिनार या बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप ये गेन करते रहो कि आपको कंपनी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कंपनी क्या मिल कर रही है, कंपनी में क्या होने वाला है, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का प्लान क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, कंपनी क्या दे रही है, क्या ले रही है, उस सारी चीजों पर आप अपना रिसर्च आउट करते रहो। जब आप ये बहुत सारी चीजों को रिसर्च आउट करते रहोगे तो आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे जो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इनकम देने वाली है। अब मैं बात करूंगा कंपनी के थोड़ी सी लाइमलाइट्स पे। आज कंपनी में एकदम सर्वर को अपडेट किया गया और कुछ चीजें जो है अपडेट की गई जिसमें कंपनी विद इन कमिंग वीक आपको जितना भी आपका अर्निंग रहा है आपको अपना पैन कार्ड और अपना केवाईसी को एकदम फिलअप करना है। कंपनी आपका टीडीएस पूरा रिफंड करने वाली है, टीडीएस फिलअप करने वाली है। आप अपना टीडीएस अपना जो सीए आपका है उससे कंसल्ट करके उसको क्लेम कर सकते हो, अपना टीडीएस रिक्लेम कर सकते हो। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर आए हैं और बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आई हैं, लेकिन टीडीएस जब डिपॉजिट करना होता है तो कंपनी वहां बैकएंड पे चली जाती है, लेकिन ये कंपनी फ्रंट एंड पे आकर अपने जो जितने भी इनके एसोसिएट रहे हैं उनका टीडीएस फाइल कर रही है। और ये एक बहुत अच्छी चीज है, इससे हम सिक्योर होते हैं कि कंपनी लॉन्ग, अगर हम गवर्नमेंट सेक्शन की तरफ से देखें तो लॉन्ग विजनरी है, कंपनी को गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि अगर टैक्स एंड और सारी चीजें कंपनी ऑन टाइम पे करती रहेगी तो ये हम भी सिक्योर है और कंपनी भी सिक्योर है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप मुझे कंपनी की तरफ से लगा। एंड तीसरा कंपनी का इनोवेशन, अभी ये कमिंग फ्राइडे को सीएमडी सर लाइव आ रहे हैं, मैं जो उनका जो जूम मीटिंग का या फिर जो भी यूट्यूब का सेशन रहेगा मैं आपको बहुत पहले अपडेट कर दूंगा कि वहां पे वो लाइव आने वाले हैं। तो उस लाइव सेशन में कंपनी कम से कम 10 से 15 और डिजिटल प्रोडक्ट्स को लाइव करने वाली है जिसका अलग अलग कमीशन स्लैब से लेकर अलग अलग डायरेक्ट कमीशन स्लैब से लेकर बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। आप उस सेशन को डेफिनेटली अटेंड करिएगा। कमिंग फ्राइडे को सर लाइव रहेंगे, हम हो सकता है होस्ट करें, उसका जो भी प्रोटोकॉल रहेगा कल शाम तक हम अपनी टीम में मैसेज कर देंगे ताकि आपके पास और अवेयरनेस जाए और कंपनी आगे क्या करने वाली है वो आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको टाइम से रहेगी तो उस इन्फॉर्मेशन का बहुत बेटर बेनिफिट उठा लें, क्योंकि क्या है कि जितने लोग इस सिस्टम में जितनी ज्यादा अवेयरनेस के साथ इन्वॉल्वमेंट रखेंगे पैसा उन्हीं के पास आने वाला है। ये बहुत बेसिक फैक्टर है, सारा फैक्टर है अवेयरनेस का। देखो आप सारे लोगों में से हम अभी पिछले 4 महीने के सेशन में कभी घर से बाहर नहीं निकले, उसके बाद भी इतनी बड़ी टीम बना डाली। सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा सिस्टम से रिलेटेड। आपको सिस्टम की जानकारी बैक टू बैक रखनी पड़ेगी, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कैसे सिस्टम चल रहा है, कैसे इस टीम को डेवलप करना है। आपके सीनियर को कंसल्ट करो, वो एक्टिव नहीं उनके सीनियर को कंसल्ट करो, वो भी एक्टिव नहीं, तो हम आपको सपोर्ट करते ही हैं। आज तक कभी भी टीम में ऐसा नहीं हुआ कि बॉटम से भी किसी का अपने पास फोन आया हो और हमने उसको शॉर्ट आउट नहीं किया हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेरीज, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम डेप्थ स्टैंड पर जाकर शॉर्ट आउट हुई हैं और इन फ्यूचर भी हम ये करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक मानना है कि क्यों अगर हम बैक टू बैक बॉटम टू बॉटम पर्सन को सपोर्ट करते चले जाएंगे तो बीच में सारी टीम ऑटोमेटिक सपोर्ट होती चली जाएगी। और जब आप बैक टू बैक अर्निंग करते चले जाओगे तो नेचुरल सी बात है आप टीम को हैंड टू हैंड सपोर्ट करना, हैंड टू हैंड रेज करके उनको मूव करना, लिफ्ट करना, ये सारी चीजें आप करते चले जाओगे। तो मेरा सिर्फ एक फोकस है, जितने भी हमारे सीनियर एक्टिव हैं आप अपनी टीम को एकदम प्रॉपर गाइडेंस दें। जो बहुत सारे कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते हैं सपोर्ट, उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो नॉलेज को एनहांस करते नहीं हैं, तो इसलिए उनको पता होता नहीं है कि बोलना क्या है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आपकी इनकम जहां पे थी वहां पर रुक गई है, उससे कम आ रही है या उससे बढ़ नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपनी नॉलेज के एनहांसमेंट में लगातार डेप्रिसिएशन करते चले जा रहे हैं, उसको एनहांस कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इनकम में स्टक रह जाओगे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। बहुत सारे लोग टीम के अंदर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नो डाउट उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, फिर रुकने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ना ही कंपनी आपको कभी फोर्स कर रही है कि आप इतना टाइम डिप्लॉय करो। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेते रहोगे तो आई गारंटी इस सिस्टम अगले 1 से 2 साल में आपको इतना पैसा देने वाला है
जो आपकी इमेजिनेशन से बाहर है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है इनका इनकम देने का या लेने का, ये बहुत छोटे फैक्टर पे काम करता है, मासेस पे काम करता है। अगर आपकी टीम 10,000, 15,000, 20,000 है तो वहां पर आपको इंडिविजुअलिटी में ये लोग इतनी सर्विस दे देंगे, इलेक्ट्रिक बिल से लेकर फोन बिल से लेकर कोई सा भी बिल आपको करना होगा, आप देवदूत को छोड़कर जाने वाले हो नहीं। 5 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट लाइव ये लोग कर रहे हैं, अगस्त 15 तक इनका पूरा प्लानिंग है कि विद इंक्लूडिंग कमीशन स्ट्रक्चर ये लोग लाइव आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब इनकी रेंज में ऐसा ही कोई प्रोडक्ट होगा जो इनकी रेंज से बाहर चला जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था कंपनी का, क्यूआर कोड और यूपीआई पे, कंपनी फुल फ्लैश उस पे सेट कर गई है। होपफुली हो सकता है क्यूआर कोड आइदर कल से आपको लाइव सेटलमेंट्स और यूपीआई आपको कल से लाइव सेटलमेंट होना शुरू कर दे। ये कल मॉर्निंग आपको अपडेट मिल जाएगी, कंपनी एंड से नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर मैक्सिमम सर फ्राइडे को लाइव आने वाले हैं तो माइट भी, सर का पूरा पूरा प्रयास है कि जब तक वो लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करें आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन एकदम हिट करना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ और भी 6 से 7-8 डिजिटल प्रोडक्ट कंपनी लाइव करने वाली है जिसका कमीशन स्ट्रक्चर अपकमिंग 100 लेवल तक बढ़ने वाला है। तो हर एक पर्सन जो यहाँ पर एक्टिव इनिशिएटिव के साथ है बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। और सबसे बड़ा जो लास्ट में मैंने डिस्कस किया था डीएमटी सर्विस डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर से लेकर कंपनी जो भी एक मार्केट में एक सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रोडक्ट है उनका लाइव करने वाली है, उसका डायरेक्ट जो सेल्स कमीशन है 8 से 10 हजार पर सेल रहेगा। तो जितने भी लोग मार्केट में डायरेक्ट एक्टिव है बेस पे उनके पास अगले महीने में 5 लाख से 10 लाख रुपए जाने वाला है। कंपनी इस लेवल पे काम कर रही है, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बेसिकली मार्केट के डेप्थ में काम कर रहे हैं वो उस प्रोडक्ट पे जब काम करना शुरू करेंगे उनके हाथ में बहुत बड़ा इनकम आने वाला है। तो देवदूत आप अपने आप को बहुत स्टेरलाइज करके अपनी टेक्नोलॉजी को डे बाय डे एनहांस करके बहुत ऊपर की तरफ चला जा रहा है। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, जितनी सपोर्ट हम उनको कर सकते हैं उतनी सपोर्ट हमें बैक टू बैक करनी है। जिसको भी कभी भी किसी भी लीडर को लीडरशिप में या फिर अपने टेक्निकली या फिर नॉलेज वाइज कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप सीनियर से कंसल्ट करें, उनके सीनियर से कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम तो हमारे तक पहुंचाएं। वैसे कंपनी जो इनका कस्टमर केयर है बहुत बहुत सही होने जा रहा है, बहुत सारी चीजें शॉर्ट आउट भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो प्रॉब्लम है तब तक हमें अपनी टीम के साथ एकदम खड़े हैं। जितनी भी उनकी प्रॉब्लम आती है उनको एकदम क्योर करेंगे, उनको क्लियर करेंगे और अपनी टीम को अपने साथ लेकर चलेंगे। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, बहुत सारी चीजें मैंने आपको इलैबोरेट करी, बहुत सारे नए सरप्राइजेस और बहुत सारी चीजें आपको आने वाले फ्राइडे को जब सीएमडी सर अपने साथ लाइव रहेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएंगी। सेशन की टाइमिंग से लेकर लिंक जिस भी सेशन पे वो रहेंगे, यूट्यूब रहेगा या फिर अपना जूम मीटिंग रहेगा, मैं आपको कल शाम तक क्लियर कर देने वाला हूँ। कुछ एक मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रेज हैंड है, वो एक काम कर सकते हैं आप सारे लोग अपना जो क्वेरीज हैं संदीप जी के पास रेज कर दीजिए, या फिर आप पर्सनली जो भी आपके सीनियर हैं डायरेक्ट कॉल पे उनको लेके या फिर हमसे कंसल्ट कर लीजिए। हम आपका जो भी प्रॉब्लम है ये आपको एकदम शॉर्ट आउट और जहां पे जितनी भी बेस्ट आपकी सपोर्ट हो सकती है बिल्कुल करने से 1% पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।